जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल एकदम बिल्कुल सही देखा है। YouTube का एक मोनेटाइजेशन अपडेट आया है। इससे होगा ये ना कि YouTube अब जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको दूर कर दिया। YouTube ने जितने भी यूट्यूबर्स है जो वीडियो बनाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। होता क्या था कि दोस्तों, हम लोग जब YouTube पे वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जब चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद जो डॉलर बनता है, तो वो क्या होता है कि इस महीने में जितना भी डॉलर बना, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर महीने में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जितना भी डॉलर बनेगा, ठीक है, ये क्रेडिट होता है 11 तारीख को। मतलब नवंबर का जितना भी बना, ये नवंबर महीना का 1 से 30 तक जितना बनेगा, वो दिसंबर का 11 दिसंबर को क्रेडिट होता है एडसेंस अकाउंट पे। थोड़ा सा समझने में, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस महीना का जो भी अभी जैसे मैं कमा रहा हूं, ठीक है, इस महीना अभी मैं कमा रहा हूं, अभी वीडियो डाल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पैसा बना रहा हूं, अब बनाते बनाते 30 दिन में जितना भी कमाई मेरा होगा नवंबर महीने का, वो दिसंबर का 11 तारीख को एडसेंस अकाउंट में भेजता है YouTube। मतलब 1 महीने के बाद पेमेंट मिलता है। क्यों बताइए, आप बोलोगे नवंबर में काम करता, नवंबर का पेमेंट आना चाहिए, नहीं, नवंबर का पेमेंट दिसंबर में आता है, क्योंकि हम लोग इस महीने काम करके रखेंगे, जो कमाई होगा वो दिसंबर में हमें मिलेगा। नवंबर का महीना तो चल ही रहा, तो नवंबर में कहां से मिलेगा, कॉमन सा सेंस है, ठीक है। तो नवंबर का जितना भी पेमेंट आएगा, जितना बनेगा, वो 11 तारीख को दिसंबर में एडसेंस अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये देखिए एडसेंस अकाउंट, इसको बोलते हैं एडसेंस। ये एडसेंस अकाउंट आपके YouTube चैनल के साथ लिंक रहता है। अब यहां पर एडसेंस अकाउंट पे ये क्रेडिट होता है 11 तारीख को। देखिए अब यहां पर 00 दिखा रहा है, 00 दिखा रहा है, जबकि अक्टूबर का मेरा जितना कमाई हो चुका है, वो 11 तारीख को, अभी नवंबर का जो 11 तारीख आएगा ना, तब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी जितना भी अक्टूबर में मेरा पैसा बना है, अब अक्टूबर में कितना बना है, ये चीज मैं यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। गो टू चैनल एनालिटिक्स में गया, अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ रेवेन्यू पे, ठीक है, रेवेन्यू पे चला गया, और अक्टूबर महीना में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अक्टूबर का कितना डॉलर बना है, तो अभी आप लोग YT स्टूडियो से ये चीज देख सकते हो। ये देखिए $764.51। तो ये जो डॉलर है, ये एडसेंट में अभी देखिए 0 है, ये डॉलर ऐड होगा 11 तारीख को। अक्टूबर का कमाई नवंबर को ऐड होगा, तो ये 11 तारीख को यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और 11 तारीख को ऐड होता है। और पेमेंट कब निकलता है, पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में कब आता है, 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में, ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लो। 11 तारीख को दिसंबर में क्रेडिट होता है एडसेंस में, और पेमेंट आता है 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में। मतलब कभी भी इस डेट में कभी भी आपका पेमेंट आ सकता है, कभी कभी 26 से भी ज्यादा, 27, 28, 29 भी घुस जाता है। क्यों, रीजन हो जाता है कि अगर हॉलीडे आ गया बीच में, अगर शनिवार रविवार पड़ गया, कोई हॉलीडे आ गया, कोई ओकेशन आ गया, तो बैंक बंद रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा डिले भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इतना में आपका पेमेंट घुस जाता है 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में। अब ये चीज अभी तक हम लोगों को देखने के लिए, पेमेंट को चेक करने के लिए कि कितना इस महीना का मेरा क्रेडिट हुआ है, वो करने के लिए क्या होता था कि एडसेंस अकाउंट लॉगिन करना पड़ता था, तभी हम लोग देख पाते थे। लेकिन अब ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, यूट्यूब ने सॉल्व कर दिया है। अब आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन से, अपने मोबाइल के एप्लीकेशन से अपना अर्निंग चेक कर पाओगे। सिंपल, कहीं लॉगिन नहीं करना, कहीं कुछ नहीं खोलना। ये क्यों किया यूट्यूब ने, सबसे बड़ी बात अभी मैं दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। ये करने का रीजन यूट्यूब का यही था कि यूट्यूब अब चाहता है कि फोन में ही सारा काम हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अभी मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स है वो फोन वाले यूजर्स है, जो फोन से यूट्यूब देखते हैं, फोन से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, सबके पास कंप्यूटर PC नहीं होता। और ये एडसेंस अकाउंट वगैरह ना फोन में खोलने में बहुत दिक्कत होता है, एक तो छोटा सा स्क्रीन क्रोम ब्राउजर पे कभी खुलता कभी नहीं खुलता, इसीलिए यूट्यूब ने ये फीचर लाया कि यूट्यूब स्टूडियो जो एप्लीकेशन होता है आपके फोन में जो है, उसी से आप देख पाओगे। अभी मैं दिखाता हूं कैसे चेक करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने YT स्टूडियो एप्लीकेशन अपना खोल लिया है, व्लॉग वाला चैनल, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि आपको जाना अर्न वाले टैब पे, अर्न वाले टैब पे देखिए ऊपर पे ही आपको दिख जाएगा URA YouTube पार्टनर। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका लिखा हुआ आएगा URA YouTube पार्टनर, और ये देखिए लास्ट महीना मतलब मेरा कितना इनकम हुआ है, $764, जो कि मैंने यहां पर आप लोग अभी खोल के दिखाया था। ये देखिए $764.51 है, तो वो देखिए यहां पर क्लियर दिखा दे रहा है कि $764 बना हुआ है। मतलब आपको यहां भी नहीं खोलना, YT एप्लीकेशन पे ही आपको दिखा देगा, YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन। अब ये चीज दिखा रहा है, और ये देखिए पेमेंट कब आएगा लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड पेमेंट 21 to 26 नवंबर, 21 से 26 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाएगा, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बोला। ये देखिए 21 से 26 नवंबर के बीच में अक्टूबर का जो पेमेंट बना है अक्टूबर महीने में, वो 21 से 26 नवंबर के बीच में मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और 11 तारीख को एडसेंस में क्रेडिट होता है। लेकिन आपको अब एडसेंस में क्रेडिट होने का वेट नहीं करना है, आपको यहां पे क्लियर पेमेंट यहीं पे दिख जाएगा। अब आपका कितना कौन-कौन महीना में पेमेंट आया है वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए नीचे लिखा हुआ व्यू पेमेंट एक्टिविटी, यहां पर क्लिक कीजिए, और यहां पर देखिए एक्टिविटी में आपको सब कुछ दिखा देगा। ये देखिए अक्टूबर में कितना आया था, सेप्टेम्बर में कितना आया था, ठीक है, अगस्त में कितना आया था, जुलाई में कितना आया था, सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, 4 महीने का यहां पर दिखा दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग आराम से आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन से ही सारा पेमेंट्स वगैरह देख पाओगे। आपको कहीं भी कुछ भी लॉगिन वगैरह नहीं करना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन अर्न टैब पे जाइए, क्लियर एकदम तुरंत आपको एक क्लिक में सारा पेमेंट्स वगैरह नजर आ जाएगा। ये अपडेट का जो मेल है वो आपके मेल पे भी आया है, ये देखिए मेल का स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूं, ये वाला मेल भी आपको आया होगा कि अब जो है आप आराम से अपना पेमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।